हमने अब हम बात करेंगे यहीं पे जर्मनी की बात कर रहे थे। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और हमने कौन कौन सी नदियां बात कर ली है? एल्बे और विजर। एल्बे और विजर कहाँ पे गिरा रहे हैं पानी अपना? उत्तरी सागर में। फिर हमने किल नहर के बारे में बात कर ली। किल नहर कहाँ पे? जर्मनी में है। और किल नहर जो है क्या किया जाता है? नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ये बात हमने कर लिया। साथ ही साथ हमने बात किया था स्टुटगार्ट के बारे में, ये भी हमने बात कर लिया था। अब स्टुटगार्ट की बात करने के बाद हमने देखा कि एक जगह है म्यूनिक। अब देखिएगा यहाँ पे म्यूनिक मिल रहा है क्या? म्यूनिक स्टुटगार्ट के नीचे म्यूनिक मिल रहा है। म्यूनिक मिला। अब म्यूनिक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो म्यूनिक जो है ना, म्यूनिक म्यूनिक, और ये जो म्यूनिक है स्टुटगार्ट के नीचे आप देख रहे हैं ना, म्यूनिक रसायन उद्योग के लिए, केमिकल जो इंडस्ट्री है उसके लिए फेमस है। तो लिखिए यह म्यूनिक, म्यूनिक के बारे में लिखिए यह रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। यहां पे आएंगे, यहां पे आपने लिख लिया होगा म्यूनिक के बारे में। यहां पे आप आएंगे, इसमें लिखा नहीं होगा लेकिन इसी को कहते हैं डॉगर बैंक। यही है डॉगर बैंक। क्या है डॉगर बैंक? डॉगर बैंक का नाम सुना है? हाँ मछली होती बेटा। हाँ डॉगर बैंक कहां पे है डॉगर बैंक? तो आप देखेंगे जर्मनी में है, और जर्मनी में ये उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। और ये किस लिए फेमस है डॉगर बैंक? तो डॉगर बैंक ना फिशरीज के लिए फेमस है। तो लिखिए डॉगर बैंक। यह जर्मनी में उत्तरी सागर पर स्थित है। यह जर्मनी में उत्तरी सागर पर स्थित है। जर्मनी में उत्तरी सागर पर स्थित है। लिखिए यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया आपने। अब एक जगह पे आप देखिएगा फ्रैंकफर्ट। यहां पे एक जगह मिलेगा फ्रैंकफर्ट। मिल रहा है फ्रैंकफर्ट? मिला फ्रैंकफर्ट ढूंढिए, फ्रैंकफर्ट ढूंढिए। यहां पे बीच के आसपास यहां पे मिलेगा, यहां पे फ्रैंकफर्ट। मिल गया। अब आप लिखेंगे फ्रैंकफर्ट, एक घड़ी डालेंगे फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट जो है ना, ये किसके लिए फेमस है? यहां पर मोटर उद्योग विकसित है। और फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जैसे कई बार पूछा जाता है मिलान करने के लिए उद्योग और प्लस जगह दे देगा, या कई बार वो जगह शहर दे देगा और क्या करेगा, देश दे देगा मिलान करने के लिए, मैच कराने के लिए। ठीक है ना? जो फ्रैंकफर्ट शहर है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये मोटर उद्योग के लिए फेमस है। लिखिए यह मोटर उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मोटर उद्योग के लिए फेमस है। मोटर उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। आप देखिएगा ऊपर कोलोन आपको दिख रहा है, फ्रैंकफर्ट के ऊपर देखिए कोलोन आपको मिला है। कोलोन फ्रैंकफर्ट के ऊपर एक कोलोन मिला होगा, आप कोलोन लिखिए कोलोन। और कोलोन के बाद कोलोन भी जो है ना, कोलोन शहर भी है मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोलोन भी किसके लिए फेमस है? मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। कोलोन किसके लिए फेमस है? कोलोन मोटर वाहन के लिए। इस कोलोन के ऊपर आप जाएंगे एसेन आपको दिख रहा होगा। कोलोन के ऊपर क्या होगा? एसेन दिख रहा है? एसेन दिखा फ्रैंकफर्ट? आप वीडियो को जब सर आपको देंगे तो एक बार वीडियो का पुनः देखिएगा, फिर मैप लगाइएगा और फिर आप वो करिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगे। ठीक है? अब देखिएगा किसकी बात मैं कर रहा हूं? एसेन मिला आपको? एसेन ऐसे ना, आप जरा देखिए ढूंढ लीजिए एसेन, पूरा मैप पे ढूंढिए एसेन, ढूंढा आपने।
अब एसएन जो है लिखे लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क लिख दीजिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन? एसएन। एसएन किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, अब चलिए, जब मैं बात कर रहा था जर्मनी की बात कर रहा था, जर्मनी की बात कर रहा था ना, अब मुझे दिखेगा ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, ये देखिए, ये जर्मनी है ना, ये ऑस्ट्रिया है ना, सॉरी स्विट्जरलैंड, ये कौन है? ऑस्ट्रिया। ये कौन है? फ्रांस। और ये क्या है? इटली। मैं ऐसा ही बात क्यों कर रहा हूं, उसको इंडिकेट क्यों कर रहा हूं? ना लैंडलॉक नहीं, मैं आल्प्स माउंटेन की बात कर रहा हूं, आल्प्स माउंटेन की बात कर रहा हूं, जो आप आल्प्स माउंटेन लिखे। अब जल्दी जाइएगा, अब आप पॉलिटिकल देख रहे थे, अब फिजिकल में जाइए और आल्प्स माउंटेन लिखिए, मैप में आल्प्स माउंटेन लिखिए, यहां पर लिखिएगा आल्प्स माउंटेन, यहां पर आल्प्स माउंटेन, यहां पर दिखेगा, दिखा जी। जानते हैं पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि किस देश में आल्प्स माउंटेन का विस्तार नहीं है? अब सुनिएगा, यहां पे देखिए, जर्मनी में भी आल्प्स माउंटेन, जर्मनी जो है यहां पे टच करेगा, यहां पे फ्रांस भी यहां पे ऑस्ट्रिया को टच कर रहा है, इटली भी ऑस्ट्रिया को टच कर रहा है, कर रहा है, और इधर स्विट्जरलैंड भी ऑस्ट्रिया को टच कर रहा है, सॉरी जर्मनी स्विट्जरलैंड को टच कर रहा है, फ्रांस स्विट्जरलैंड को टच कर रहा है, इटली स्विट्जरलैंड को टच कर रहा है, और ऑस्ट्रिया भी स्विट्जरलैंड को टच कर रहा है। यानी इस आल्प्स माउंटेन का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड का है। मैं पहले बात ये कर रहा हूं, यानी सारे देश क्या कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड का टच कर रहा है, इसका मतलब इन सारे देशों में क्या है? आल्प्स माउंटेन का विस्तार है, एक्सटेंशन है। इसने पूछा था इंग्लैंड को ऑप्शन में डाल के, ये यूके इंग्लैंड, इसको ऑप्शन में डाल के इसने पूछा था कि कौन आल्प्स माउंटेन को टच नहीं करता है, या किस देश में आल्प्स माउंटेन का विस्तार नहीं है, पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए मैपिंग करा रहा हूं बेटा। ठीक है, यहां पर हम आल्प्स माउंटेन, आप देखेंगे आल्प्स माउंटेन, तो आप ही बताइए, आल्प्स माउंटेन फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है, इटली में है, और ऑस्ट्रिया में, कितने देश हो गए? पांच। यानी आल्प्स माउंटेन का कितने देशों में विस्तार है? पहली बात तो यही हम जानेंगे कि कितने कंट्रियों में इसका विस्तार है आल्प्स माउंटेन का, तो पांच कंट्रियों में विस्तार है। अब मैंने कहा कि मैं एक शब्द अभी बोला था कि स्विट्जरलैंड को सारी कंट्रियां टच करेंगे, इसका मतलब सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आल्प्स माउंटेन का सर्वाधिक विस्तार एक्सटेंशन है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एक हेड डालते हैं आल्प्स माउंटेन, पहले मैं लिखवाऊंगा सारी बात, लिखवाऊंगा पहले समझ लो। आल्प्स माउंटेन, इसकी सबसे ऊंची चोटी आल्प्स माउंटेन की माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक देखिए, मिलना है माउंट ब्लांक, आप हाँ ब्लैंक या ब्लांक करके ब्लैंक मिला। हाइट उसकी बताइएगा माउंट ब्लांक की, 4808 होगा, 08। अच्छा कोई बात नहीं, वो फ्लक्चुएशन है, हाइट नहीं पूछा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जीरो एट मैप में दिया हुआ है। ठीक है, अब माउंट ब्लांक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? आल्प्स पर्वत की। और देखिए आल्प्स पर्वत एक कैसा माउंटेन है? ये फोल्डेड माउंटेन है, मतलब बलित पर्वत है, या कैसा फ्रंस है, मतलब फॉल्ट माउंटेन है, या फोल्डेड माउंटेन है? अच्छा फोल्डेड माउंटेन बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हाथ है और ये हाथ है, इस दोनों को समझिए कि दो प्लेटें हैं, इंटरनल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने लग रहे हैं, आमने सामने लगे, मैंने इस पर दबाव डाला और दबाव डालने के बाद ये क्या हुआ, मेरे हाथ ऊपर उठने लगा दबाव के बाद, ये दबाव के बाद ये ऊपर उठ रहा है, ये क्या पड़ा, फोल्ड पड़ रहा है। मैं एटलस में ले रहा हूं, ये एटलस को मैं दिखा रहा हूं, मैं इस पर डाल रहा हूं फोर्स नीचे से, समझिए इंटरनल फोर्स डाल रहा है, ये देखिए ऊपर उठ रहा है, माउंटेन का रूप नहीं ले रहा है। तो जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जब दो इंटरनल फोर्स आमने सामने काम करें, एक दूसरे के सामने डायरेक्शन में आमने सामने,
ठीक है, जब काम करेंगे तो इन पर क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से जो प्लेटें होंगी ना वो फोल्ड होने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे, और उससे जिस माउंटेन का निर्माण होगा वो कहलाता है फोल्डेड माउंटेन। और कभी भी फोल्डेड माउंटेन की जो हाइट होती है ना वो सबसे ऊंची होती है। सबसे ऊंची हाइट किसकी होती है? तो फोल्डेड माउंटेन की होती है, यानी बलित पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां किस माउंटेन में पाई जाती है? बलित माउंटेन में पाई जाती है। आप जानते हैं हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो 8848.86 मीटर है। ठीक है, भारत नेपाल और चीन की सीमा पे है, चीन की सीमा पे है ना, एक्चुअली वास्तव में तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है, बाउंड्री पे है, बट तिब्बत पे कंट्रोल किसका है? चाइना का। आज चाइना कंट्रोल हो गया तो वो क्या हो गया? वो अब चाइना का हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? वो चाइना का हो गया। ठीक है, तो आल्पस माउंटेन की बात करें, यहां पे मैप की बात करें, आल्पस माउंटेन जो है सर्वाधिक विस्तार जो है स्विट्जरलैंड में नई बड़ी पर्वत है। ठीक है, और इसकी चोटी क्या माउंट ब्लांक है, 5 देशों में फैला हुआ है। और इसने प्रश्न पूछा था, इसमें से कुछ 2-3 नाम दे दिया था कि आल्पस माउंटेन का विस्तार कहां पर नहीं हुआ है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड, आप देख रहे हैं इंग्लैंड से कोई इसका नहीं है, लेकिन जब क्या होगा, ये एक आप रटेंगे, एक आप रटेंगे और एक आप यहां पे विजुअलाइजेशन करेंगे, दोनों का अंतर होता ना, दृश्य देखने का अंतर ही है। इसमें भी आप देखिएगा जरा, पहली बात तो आप यानी आल्पस माउंटेन, आल्पस माउंटेन, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, आल्पस माउंटेन, देखिए यह एक नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, इट इज न्यू फोल्डेड माउंटेन, यह एक नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, क्या है? नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, लिखिए आपने, लिखिए, यह 5 देशों में फैला हुआ है, कितने देशों में? 5 देशों में, लिखिए, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इटली, ऑस्ट्रिया, इटली, ऑस्ट्रिया। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। कितने देशों में फैला हुआ है? 5 देशों में। ठीक है, देख लिया आपने, अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, गलती होगी। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे लिखिए इसका सर्वाधिक विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है, इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। अब मैं जब बात आल्पस की कर रहा हूं तो आल्पस में आप जरा बताइएगा जो लैंड लॉक्ड है कितने हैं? 2 ही है ना, और जो तो यहां पे हम करते भी जाए, ये बात करते भी जाए, लैंड लॉक्ड कौन है? तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। अब अभी पढ़ेंगे, पहले पहले मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो पढ़ाएंगे ना हम, जहां जहां करते जा रहे हैं वहां पर कुछ क्लियर करते जाए। तो ये दोनों क्या है? लैंड लॉक्ड है। तो लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया लैंडलॉक्ड देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कैपिटल? स्विट्जरलैंड की बर्न, हाँ बर्न, 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 बर्न। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो लिखिए, पूछा भी जाता है, लिखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न, बर्न, व ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, व ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न व ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है।
क्या है? वियना है। लिख लिया? ठीक है, लिखा आपने। आप देखिएगा राइन नदी मिल रहा है क्या आपको? राइन रिवर। राइन रिवर देखिए, देखिएगा उसी स्विट्जरलैंड में आल्पस माउंटेन से एक रिवर निकल रही है, राइन रिवर निकल रही है। ऐसे देखिएगा नीदरलैंड होते हुए वो नॉर्थ सागर में गिर रही है, राइन रिवर। फ्रांस और जर्मनी के बीच में वो सीमा बना रही है, बीच से जा रही है वो। मिला? पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में आइए। दिख गया? राइन नदी दिखा? पॉलिटिकल में राइन नदी जो है आल्पस माउंटेन में ही, स्विट्जरलैंड से आल्पस माउंटेन से निकलती है। कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड से। कौन से माउंटेन? आल्पस माउंटेन से। आल्पस माउंटेन, ठीक है ना। अब ये इसके एक तरफ जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, देखिएगा जर्मनी में है क्या ब्लैक फॉरेस्ट? ये ब्लैक माउंट है ना एल्प्स की, ब्लैक फॉरेस्ट फॉरेस्ट। जस्ट देखिएगा जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है क्या? मिला? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस में वास्टेज माउंटेन मिल रहा है क्या? देखिएगा वाजेस माउंटेन मिला है क्या फ्रांस में? मिल गया? जरा देखिएगा, मिला? ठीक है। जब दो पर्वतों के बीच में कोई नदी बहेगी तो वो भ्रंश होगी, फॉल्ट रिवर कहलाएगी, भ्रंश नदी कहलाएगी। क्या नदी कहलाएगी? भ्रंश नदी कहलाएगी, ठीक है ना। कौन सी नदी कहलाएगी? भ्रंश नदी। और यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी है जो भ्रंश नदी है, वो कौन है? राइन नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिखे राइन नदी के बारे में, लिखे राइन रिवर, राइन रिवर, राइन नदी। राइन नदी देखिए, यह स्विट्जरलैंड में, यह स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलती है, यह स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलती है, आल्पस माउंटेन, यह स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलती है। लिखे यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वास्टेज पर्वत के बीच से होते हुए, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वास्टेज पर्वत से होते हुए, होते हुए नीदरलैंड से होकर, नीदरलैंड से होकर उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। लिखे यह भ्रंश घाटी में बहती है, फॉल्ट वैली, यह भ्रंश घाटी में बहती है, फॉल्ट वैली। लिखे भ्रंश घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली यूरोप की एकमात्र नदी है, कैसी नदी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली यूरोप की एकमात्र नदी है। जरा देखिएगा पॉलिटिकल में क्या राइन नदी आपको दिख रहा है? फॉल्ट, फॉल्ट, ठीक है ना, फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट वैली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस जर्मनी की आप बात कर रहे थे, ये निकल रहा है, नदी निकल रही है, कौन सी नदी? राइन नदी, राइन नदी, राइन नदी कैसी है? भ्रंश नदी है, निकल रही है। जर्मनी से एक नदी आके इसमें रूर नदी मिल रही है, रूर रिवर, रूर। हाँ देखिए, मिल दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं,
हाँ पॉलिटिकल ब्रेक है, ये सब पॉलिटिकल ब्रेक है, माउंटेन फिजिकल ब्रेक है। दिखा क्या रोल? नहीं दिखा, बोला छोड़ दिया। जो रूल नदी है ये राइन की सहायक नदी है, ठीक है ना, सुना है ना। और ये रूर जो है ये बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है, यहां से बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, जर्मनी के रूर से ही बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, ठीक है। अब बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, कोयले का उपयोग भी किया जाता है, और हमारे यहां दामोदर नदी को भी भारत का रूर नदी कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रूर नदी किस देश में की है, जर्मनी के, देखिए जर्मनी की रूर नदी, जर्मनी की रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है। रूर की स्पेलिंग आर यू एच आर, रूर। देखिए जर्मनी की रूर नदी, जर्मनी की रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है, राइन नदी की सहायक नदी है। लिखा आपने राइन नदी की सहायक नदी है। देखिए यहां से बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है, यहां से बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रूर नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, रूर नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए भारत के दामोदर नदी को रूर नदी के नाम से जाना जाता है, रूर नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं बेनिलेक्स पे, आ जाए बेनिलेक्स, ठीक है, है? क्या हो रहा? अब हम बात करते हैं यहां पे, आप देखिएगा यहां पे तीन देश देख लीजिएगा, यहां पे तीन देश, ये अच्छा हाँ, पहले हम बेनिलेक्स पहले कर लेते हैं डेनमार्क को, मैं डेनमार्क नहीं बोलता, डेनमार्क, भारत जो डेनमार्क है ये भी भारत पर आए थे, अधिकार किए थे, डेन वाले हैं ये, ठीक है। और नीदरलैंड वाले डच वाले हैं, और नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ये डेनमार्क वाले हैं, डेनमार्क वाले ने भारत पर भी अधिकार किया था। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है हाँ। और डेनमार्क जो है ना एक प्रायद्वीप का निर्माण करता है, ये जूटलैंड प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है? जूटलैंड। तो डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, जूटलैंड पेनिनसुला है, यानी का डेनमार्क, डेनमार्क। लिखे डेनमार्क को डेन के नाम से भी जाना जाता था, डेन के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है इसकी राजधानी, कोपेनहेगन है। लिखे यह जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, जूटलैंड पेनिनसुला, यह जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। ना ना ना, ऐसे ही नाम दिया गया, ऐसे ही नाम दिया गया, ऐसे ही जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर लिया, तो अब हाँ डेयरी प्रोडक्ट के, हाँ एक पॉइंट है लिखे, डेनमार्क दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्शन,
डेनमार्क डेयरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? डेयरी उत्पादन के लिए। अब हम यहाँ पे बात करें, एक चीज है, हमने पढ़ा था स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। एक प्रश्न आता है स्कैंडिनेविया देश, स्कैंडिनेवियाई देश, देश स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं और स्कैंडिनेवियाई देश में 5 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। तो लिखिए, लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, लिखिए आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के, सॉरी स्कैंडिनेवियाई देश के हिस्सा है। इस कैन डी ने वी आई देश के हिस्सा है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क किसके हिस्सा है? स्कैंडिनेवियाई देश के हिस्सा है। किसके हिस्सा है? स्कैंडिनेवियाई देश के हिस्सा है। यहां तक हमने बात कर लिया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहां तक हमने मैपिंग कर लिया है, यहां तक मैपिंग कर लिया ना। अब हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में? पैनलेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैनलेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको पूरी पूरी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रही होंगी, पूरी एक ही बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहां तक हमने देख लिया कि आइसलैंड जो है, आइसलैंड की राजधानी रिजविक है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। हमने नॉर्वे देख लिया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। ठीक है, ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है और नॉर्वे में क्या है? फ्योर्ड तट स्थित है जो हिमानी द्वारा निर्मित है। स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम क्या किया जाता है? हमने देखा कि स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और उसका प्रभाव भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, यहाँ से शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ के अन्य नोबेल पुरस्कार जो होता है वो स्वीडन से दिया जाता है। फिनलैंड को क्या किया जाता है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड जो है हजार जिलों की भूमि कहा जाता है, 1000 लैक। यहाँ पर हम देखें अगर इन तीनों देशों को कहा जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। यहाँ पर हम देखें नॉर्वे और फिनलैंड जो है रूस के साथ सीमा बनाते हैं। स्वीडन और फिनलैंड के बीच देख रहे हैं बोथनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। फिनलैंड एस्टोनिया के गल्फ ऑफ और रूस के बीच गल्फ ऑफ फिनलैंड है। यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया जो है ये भाग किसका है? ये बाल्टिक कंट्री है। ठीक है, यानी ये पहले यूएसएसआर के भाग थे, 1991 में ये क्या हुए? अलग हो गए। हम यहाँ पे अगर बात करें तो बाल्टिक कंट्री की बात, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देशों की बात करें, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया और पोलैंड है। पोलैंड की राजधानी वारसा में देखा विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी के बारे में हमने देखा और जर्मनी की राजधानी क्या था? बर्लिन था, वो भी बात कर लिया था। किल नहर के बारे में बात किया, किल नहर जो था नॉर्थ सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ा। हम यहाँ पे बात कर लिए थे आल्पस माउंटेन के बारे में, 5 देशों में फैला हुआ है, सर्वाधिक विस्तार उसका स्विट्जरलैंड में था, माउंट ब्लांक उसकी चोटी है। यहाँ पे हमने जब आल्पस माउंटेन से देखा तो हमने राइन नदी को देखा कि राइन नदी निकल रही है आल्पस माउंटेन से, स्विट्जरलैंड से, जो नीदरलैंड होते हुए उत्तरी सागर में गिर रही है। राइन नदी जो है एक भ्रंश नदी है, फॉल्ट रिवर है, जो जर्मनी के कौन से पर्वत से? ब्लैक फॉरेस्ट से और फ्रांस के वाजेस माउंटेन के बीच से होकर बह रही है। हमने देखा कि राइन नदी में एक नदी आके मिल रही है, रोन नदी, जिसे हम कोयला नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है और भारत के दामोदर नदी को भी क्या कहा जाता है? रोन नदी। फिर हमने डेनमार्क, यहाँ पे देखा था स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बारे में, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यह हमने देखा, दोनों लैंडलॉक है। इसके बाद हमने देखा डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, यह जूटलैंड के प्रायद्वीप है और दूध उत्पादन में क्या है? प्रसिद्ध है डेयरी प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, अब हमने देखा कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जो है ये इसके डेनेविया देश के क्या है? हिस्सा है। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। चलिए,